हेलो सो आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक करवा दिया था मैंने? मैंने कंडक्टिंग शीट का करवा दिया था, ठीक है। तो वायर कंप्लीट, कंडक्टिंग शीट कंप्लीट, नॉन कंडक्टिंग शीट कंप्लीट। अब आता है स्फेयर। तो सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। चलो जी, अब अगर स्फीयर की बात करें, सुनो मेरी बात, अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के लिए डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। वाई इसलिए क्योंकि स्फीयर है ना, उसमें आप अगर यहाँ से काटोगे एरिया तो इसकी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर ही डीएस होगी। यहाँ इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर, इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डीएस भी इधर। यानी स्फीयर के अंदर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर्स, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, फील्ड होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि स्फीयर के कारण किधर डायरेक्शन होगी। जैसे उनमें तो फाइंड करना पड़ा था ना कि वायर के भी परपेंडिकुलर और शीट के भी परपेंडिकुलर। हमें थोड़ी पता था कि ये वायर है, क्या पता इसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो हमने निकाला था और तब पता चला था कि वायर के इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही शीट के लिए भी हमने निकाला था कि शीट के भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? ठीक है, आगे देखो। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अगर बात करें तो स्फीयर के लिए ये स्फीयर, चलो हम पहले लिखता हूँ ये स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर आपने दे दिया क्यू चार्ज। अब ये स्फीयर कौन सा है? कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है। तो आपने जो इसको चार्ज दिया वो सारा चार्ज इसकी कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, है ना? ओके, तो सारा चार्ज कहाँ पर आ गया? सरफेस पर आ गया, ठीक। अब एक चीज़ सुनो, हम स्फीयर के कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? हम स्फीयर के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, हम स्फीयर के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, हम स्फीयर के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें तो क्या था, ये सीट है, इसके यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, सारे पॉइंट इससे दूर ही होंगे। बट स्फीयर के अंदर तीन कंडीशन बनती है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो फिर देखते हैं इनको। हाँ सुनो, सबसे पहले मैं करवाता हूँ आपको आउटसाइड द स्फीयर, मैं आपको करवाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो आप स्फीयर से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, स्फीयर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लो और उस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज ले आओ। वो टेस्ट चार्ज बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब सुनो एक बात, ये पॉइंट है, ये ओ है। अब एक चीज़ सुनो, अगर आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो चाहिए क्लोज सरफेस। तो आप ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से क्या बनाओ, आप एक इससे बनाओ क्लोज सरफेस, बना ली, ठीक है। अब आपका काम आसान है। अब सुनो, इस स्फीयर की रेडियस है वो कितनी मान लेना, आर मान लेना। चलो तो फिर अब तो ख़त्म है कहानी। फ्रॉम गाउस रूल, अगर गाउस रूल की बात करें तो गाउस रूल से जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस है वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन।
मैं आपको बता चुका हूं कि स्फेयर की कंडीशन में डायरेक्शन जो है वो रेडियल होती है, ये याद ही रखना भी। और जब जब डायरेक्शन रेडियल होती है तो जिधर ई होता है उधर ही डीएस। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर ही तो ई होगा, और यहाँ से एरिया काट के निकालोगे इधर ही क्या निकलेगा, डीएस निकलेगा। यानी थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना मत, आप डायरेक्ट लिखो इंटीग्रेशन ई डी एस को थीटा और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलन नॉट, ई का ई, डी एस का डी एस, कोस थीटा कोस 0 डिग्री, और इसका इंटीग्रेशन और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलन नॉट, कोस 0 कितना होता है 1, ई बाहर आ गया, डी एस का कितना हो गया एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है एस 4πr² क्यू अपॉन में एप्सिलन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन में 4πr² एप्सिलन। क्लियर है भी? ठीक है, अब सुनो, सुंदर बनाते हैं फॉर्मूला को। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r² ठीक है। तो अगर बात करें तो जो आपका स्फेयर है उसमें ई कितना होता है, के क्यू अपॉन में r² तो बस ये इतना ध्यान रखो कि जो स्फेयर होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन में r² और इतना और ध्यान रखो कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इन वेक्टर फॉर्म ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r² क्लियर। ठीक है, इसके ऊपर अगर वेक्टर लगाओ तो भी सही है, ना लगाओ तो भी गलत नहीं है। ठीक है, कर लोगे इसको, कर लोगे। चलो जी, तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी सरफेस पे किस, सॉरी वो भी आउटसाइड किसके, स्फीयर के। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करें, बात करते हैं सरफेस पे। ठीक है, On the surface of the sphere, ठीक है, सुनो। अच्छा, अगर आपने अभी आउटसाइड निकाला, आउटसाइड क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r² है ना। अगर मैं इस r की जगह कैपिटल R रख दूँ तो किसके लिए आ जाएगा, सरफेस के लिए आ जाएगा, क्योंकि सरफेस की कंडीशन में आ रही तो कितना है, कैपिटल आर है। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल r² दैट्स इट। चलो जी, अब निकालते हैं इनसाइड, अंदर। चलो जी, आप ये बताओ क्या किसी कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर चार्ज टिकता है, नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता, क्योंकि सारा का सारा जो अंदर का चार्ज है वो कहाँ आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। अगर सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाता है तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचता, और अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचता तो उस कंडीशन में अंदर कोई फील्ड भी नहीं बचता, और अगर अंदर कोई फील्ड ही नहीं बचता तो स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0। तो बस ये ध्यान रखना कि जो आपका स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कितना होता है, वो होता है 0। कर लोगे? ठीक है भी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर।
एटमॉस्फेयर, इसके अंदर इससे ज़्यादा और बताने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है,